तो गाइज ये स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो गाइज एक और बहुत ही कमाल का एंड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो आ चुका है। जैसा कि आप मेरे होम स्क्रीन पर गाइज देख रहे हो कितना कमाल का फोटो एडिटिंग हुआ है। सो गाइज आपको ऐसे ही मैं फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। तो गाइज सीखना हो तो सिंपल सा इस वीडियो को पूरा वॉच करें एंड गाइज आपको इस टाइप का बैकग्राउंड एडिट करना है एंड गाइज इस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखा दूंगा, सब कुछ सिखाऊंगा आज की वीडियो में। जैसे कि आप मेरे होम स्क्रीन पर देख सकते हो फेस कितना कमाल का बना है एंड गाइज इस टाइप का फेस बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन गाइज मैं आपको पूरा बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा इस टाइप का हेयर एंड फेस कैसे बना सकते हो, सब कुछ आज की वीडियो में सिखाऊंगा। और हमारा सिंपल सा फोटो गाइज आप देख रहे हो कितना बेकार है गाइज, इसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा लॉस है, लेकिन गाइज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी फोटो को गाइज मैं आपको बना के देखूंगा पूरा इस टाइप से, जैसे कि देख लो कितना कमाल का ये फोटो लग रहा है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एंड गाइज प्लीज़ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके गाइज यार बेल आइकन दबा दीजिए। और इस टाइप का फोटो बनाना आज की वीडियो में गाइज सिखाऊंगा 100% गाइज आपको आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको इस फोटो को क्या करना कि स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर देना एंड गाइज वहाँ पर इस बैकग्राउंड को काफ़ी तक कमाल का एडिट करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं शेयर करता हूँ एंड गाइज शेयर करने के बाद क्या करना है वो भी आपको मैं आज की वीडियो में बताऊँगा, सब कुछ गाइज बताऊँगा, ए टू जेड ट्रिक बताऊँगा आपको दोस्तों, 100% फोटो एडिटिंग आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले आपको टूल्स वाले पे जाना है और यहाँ पर आ जाना है आपको सिलेक्टिव पे। सिलेक्टिव पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर अंधेरा होगा, जहाँ पर भी अंधेरा वहाँ पर आपको ब्राइटनेस इस टाइप से बढ़ा देना। देखिए कितना कमाल का फोटो लग रहा है, ऐसे ब्राइटनेस को हाई करने के बाद आपका फोटो और ज़्यादा जो है वाइट हो जाएगा। तो वाइट होगा गाइज तो ये काफ़ी ज़्यादा बने तरीके से एडिट होगा आपको आज पता ही है। तो इस टाइप से मैं थोड़ा थोड़ा लाइट को बढ़ा देता हूँ, जहाँ भी हमारे जो फेस पर अंधेरा वगैरह दिख रहा होगा वहाँ पर हमको ऐसे कर लेना है। एंड इतना करने के बाद दोस्तों क्या करना है वो भी मैं आपको चलिए बताता हूँ। जैसे कि आप इतना देख सकते हो इतना काम हो चुका है हमारा, और यहाँ पर थोड़ा सा और को लाइट को मैं बढ़ा देता हूँ दोस्तों, इस टाइप से देख ही सकते हो। तो इतना काम करके एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा पोर्ट्रेट में जाऊँगा एंड पोर्ट्रेट में गाइज इसको कम करके इसको कम कर दूँगा एंड इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही रहूँगा लगभग इतना पर, इससे आई गलेटी जो है काफ़ी तक कमाल का हो जाता है। तो इतना करने के बाद आपको आऊँगा टूल्स पे डिटेल पे, इसको हाई करूँगा, इसको भी हाई करूँगा लगभग इतना पर एंड डाउन करूँगा एंड गाइज इस वाले ऑप्शन पर जाऊँगा, व्यू एडिट पर जाना एंड डिटेल्स पर जाना, बीच वाले पे क्लिक करके इस साइड वाले पर क्लिक कर देना। आपको अपने फेस पर का जो मिटा लेना है, ये देखिए फेस पर का सिर्फ आपको मिटाना है, बाकी जगह वैसे ही छोड़ देना है, कपड़े पर छोड़ देना, हाथों पर का मिटा लेना, सिर्फ फेस और हाथ और आपके पैर, बस ये इफेक्ट वहीं पर दोस्तों जो है नहीं रहना चाहिए, बाकी सारी जगह रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इरेज करता हूँ, आप देखिए इसको किस टाइप से कर रहा हूँ, तो सेम टू सेम आपको कर देना एंड ऐसा करने के बाद दोस्तों फोटो कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा। तो सिंपल से बैक करके एंड गाइस इस फोटो को हम लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर देंगे और वहाँ पर क्या करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज जा चुका है फोटो लाइट रूम अप्लीकेशन के अंदर एंड गाइज हम अपने लाइट रूम को ओपन करते हैं एंड चलिए आपको दिखाते हैं क्या करना है यहाँ पर। तो सिंपल सा लाइट रूम ओपन हो चुका है एंड गाइज यहाँ पर हमारा फोटो भी आ चुका है, आप फोटो को तो देख ही सकते हो। तो सिंपल सा इस प्रीसेट को कॉपी करेंगे, जो कि गाइज आपको पता है कि प्रीसेट मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सिंपल सा पेस्ट करने के बाद रिजल्ट हमारा कुछ ऐसा हो जाता है, जो कि आप एक ही क्लिक में देख सकते हो कितना कमाल का हो चुका है सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में गाइज। तो इस फोटो को अब हम शेयर कर देंगे फिर से स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर एंड गाइज अब इसको वाइट करेंगे अपने फेस को। तो कैसे करेंगे चलिए आपको दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पर फोटो हमारा दोस्तों आ चुका है, तो आपको इतना काम कर लेना है एंड टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है, सिलेक्टिव पर चले जाना और इस टाइप से जूम करके आपको अपने फेस पर इस टाइप से ब्राइटनेस हाई करना है। देखिए कितना कमाल का लग रहा है ब्राइटनेस को जो है हाई करने के बाद। तो ऐसे काम दोस्तों आपको कर लेना है एंड फोटो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपका लगने लगेगा, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। तो ऐसा काम दोस्तों करने के बाद फोटो आपका इतना कमाल का लगा दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते। तो इतना हमारा फेस जो है वाइट हो चुका है आप देख ही सकते हो। तो सिंपल सा मैं बढ़िया तरीके से पहले कर लेता हूँ इसको ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाकर, ताकि ये दोस्तों अच्छा लगे और एडिट करने में भी काफ़ी ज़्यादा जो है मज़ा आएगा। तो हाथों पर भी लाइट को आपको बढ़ा लेना है कुछ इसी टाइप से देख ही सकते हो एंड इस यहाँ पर भी देखिए कितना कमाल का लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा वाइट फोटो हो चुका है एंड इसको एडिट करने में काफ़ी गाइज मज़ा आएगा। तो गाइज इतना काम आप देख ही सकते हो चुका है। तो सिंपल से यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा लाइट बढ़ाता हूँ, जो कि हमारे आंखों के पास लाइट कम है, इस टाइप से करके यहाँ पर बढ़ाऊँगा तो लाइट आ जाएगा एंड गाइज कानों पर भी सभी जगह गाइज आपको लाइट बढ़ाना है, ये नहीं कि गाइज कहीं बढ़ाना है कहीं नहीं बढ़ाना, सभी जगह बढ़ाना है, बढ़िया तरीके से बढ़ाना है। जैसे ही बढ़िया तरीके से गाइज हो जाएगा तो सिर्फ सा एक बार आपको सिलेक्टिव पे जाना और नीचे की तरफ आपको सिलेक्ट करके इस टाइप से ये वाला जो है आपको हाई कर देना है नीचे वाले में, ये वाला गाइज, इससे क्या होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा कलरफुल हो जाएगा एंड एडिट करने में भी काफ़ी ज़्यादा जो है मज़ा आएगा।
तो देख ही सकते हो इतना काम हो चुका है। तो सिंपल सा फोटो को अब हम शेयर करेंगे पीकैट एप्लीकेशन के अंदर। पीकैट के अंदर क्या करेंगे दोस्तों, चलिए आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि पीकैट एप्लीकेशन के अंदर हमारा फोटो आ चुका है एंड गाइस सबसे मेन काम ये होता है कि दोस्तों पीकैट के अंदर कलर करना। तो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड कलर वाले पे जाएंगे, कलर पे क्लिक करके और यहाँ पर कोई भी एक कलर जो है हम चूज कर लेंगे। जैसे कि इस टाइप का ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट करिए एंड कोई भी एक कलर आप चूज कर लेते। सिंपल मैं यहाँ पर चूज करता हूँ ये वाला कलर का, जो कि ग्रीन हमको काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा लगता है, तो ये वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको कर दूंगा गाइस बैकग्राउंड पे। आपको बैकग्राउंड पे सिलेक्ट करना है एंड गाइज आपको देख लीजिए यहाँ पर कहीं एक्स्ट्रा आया होगा तो उसको आप मिटा दीजिएगा। बाकी जगह आपको क्या करना है कि अपना कपड़ा का कलर जो है वहीं रखना है गाइज। यहाँ पर देख ही सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, तो ये सब मैं वहीं रखता हूँ, इसको मैं चेंज नहीं करूँगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हो तो इतना काम गाइज हो चुका है हमारा और फोटो हमारा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गाइज लग रहा है। तो इतना करके मैं सिंपल सा इस फोटो को सही कर दूंगा एंड सही करने का दोस्तों अब क्या करूँगा, एक बहुत ही कमाल का टिप्स एंड ट्रिक बताता हूँ आपको। आ जाना इस वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर लाना है तो आपको ये वाला एक लाइट मिल जाएगा जिसको आपको क्या करना है कि पूरे बैकग्राउंड में ऐसे लगा लेना है दोस्तों। इससे फोटो बहुत ही कमाल का लगता है गाइज। तो सही कर देंगे एंड सही करने के बाद एक यहाँ पर दोस्तों सनसेट का पीएनजी ऐड कर देंगे। सनसेट का पीएनजी ऐड करने के बाद देखिए कितना कमाल का अब लगेगा। तो सिंपल सी ये जैसा कि ये हमारा सनसेट का पीएनजी हो गया तो इसको हम सिलेक्ट करके और इसका जो है ब्लेंड पे स्किन पर करके इतना पर ऐड करेंगे, यहाँ पर इतना पर का ये देख लीजिए एंड इसका ऑफसेटी गाइज कम करेंगे। ये देखो ऑफसेटी लगभग इतना पर रखेंगे, ज़्यादा ऑफसेटी को नहीं रखना है हमको। तो सिंपल सा सही करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ हमको नहीं करना है, सिंपल सा फोटो को सेव करना है और दोस्तों इसको हम ब्लर करेंगे। तो चलिए मैं आपको ब्लर करके दिखाता हूँ और दोस्तों सबसे बढ़िया तरीके से आपको ब्लर भी सिखाऊंगा। तो सिंपल सा वीडियो को बस आप देखते रहिए। सो गाइज इतना काम करने के बाद पीकेट को ओपन करेंगे एंड अब दोस्तों यहाँ पर जो फोटो रूम का लोगो आया है उसको हमको सबसे पहले हटाना है। जैसा कि आपको दिखाता हूँ ये हमारा दोस्तों यहाँ पर नीचे में ये लोगो हो गया है। ये लोगो तो देख सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है। तो कैसे हटाएंगे, हम यहाँ पर जो फोटो ब्लर नहीं है ना उस वाले फोटो को ऐड करेंगे इस टाइप से और इसका साइज को पूरा ऐसे फिक्स कर देंगे, यानी कि जितना पर फोटो है उतना पर करके इस पर क्लिक करके इनवाइट पर क्लिक कर देंगे और दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर आएंगे, इसको बढ़ा के नीचे से जो हम इस टाइप से इसको मिटा देंगे। इतना ही काम हमको यहाँ पर करना है, डॉन करेंगे सही करेंगे एंड गाइस जो टेक्स्ट पीएनजी है ना उसको हम यहां पर ऐड करेंगे। जैसा कि ये टेक्स्ट पीएनजी हमारा, इसको हम ब्लेंड पे कर लेंगे स्क्रीन पर एंड गाइस इसको हम यहां पर रखेंगे, जो कि देख ही सकते हो एमएक्स की दीवानी, यानी कि गाइस हमारा दीवानी ये देखिए। आप यहां पर अपना भी नाम लिख सकते हो, जो भी आपका नाम होगा वहां पर लिख सकते हो। जैसे कि आप मेरे देख सकते हो एमएक्स की दीवानी कितना कमाल का लग रहा है। तो इसको ही दोस्तों ये सब आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से सिंपल सा डाउनलोड कर लीजिएगा एंड सही कर दीजिएगा। देखिए कितना कमाल का गाइस लग रहा है। तो इतना काम करके सिंपल सा फोटो को कर लीजिएगा सेव एंड सेव करने के बाद इस पर आप रिमनी का यूज करके फुल एचडी क्वालिटी कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ एंड गाइस उसके बाद स्मूथ करके दिख। तो भाई लोग चलिए अब हम फेस स्मूथ का तरीका आपको बताते हैं कैसे आप फेस स्मूथ कर सकते हो। तो सिंपल सा फोटो को शेयर कर देंगे स्केच बुक अप्लीकेशन के अंदर एंड गाइज वहाँ पर बहुत ही कमाल का जो है स्मूथ होता है। और दोस्तों ब्रश भी आपको बताऊंगा कौन सा ब्रश से स्मूथ होता है। तो सिंपल सा आपको जैसे ही ओपन होगा तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आ जाना लाइब्रेरी में एंड नीचे में चले जाना और ये वाला ब्रश आपको सेलेक्ट कर लेना, सेटिंग ये कर लेना है। दोस्तों सेटिंग काफ़ी सारे लोग को नहीं पता लेकिन सेटिंग को आप देख लीजिए ध्यान से, साइज को आप अपने हिसाब से रखिएगा जितना पर दोस्तों स्मूथ करना होगा। और दोस्तों ये दोनों को आप इस टाइप से रखिए जैसा कि मैंने रखा है एंड जूम कर लेना है फेस पर। अब दोस्तों आपको इस टाइप से साइज को बड़ा करके और अपने जो फेस है उस पर आपको इस टाइप से गोल गोल करके ऐसे रगड़ना है। तो देखिए कितना कमाल का यहाँ पर स्मूथ जो है हो रहा है और फुल एचडी क्वालिटी में गाइज हो रहा है और मैं आपको पूरा करके भी दिखाऊंगा। देखिए कितना मस्त गाइज यहाँ पर लगने लगा हमारा फेस। तो ऐसे ही काम आपको कर लेना है एंड इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए
स्टेप से आपको स्मूथ करना है पूरा फेस को दोस्तों, और मैं पूरा करके देखा था एंड गाइस, जब तक स्मूथ हो रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक करके एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। और यहाँ पर इतना गाइस हमारा स्मूथ हो चुका है, और इसके बाद दोस्तों और भी आपको दिखाता हूँ किस टाइप से पूरा करूँगा स्मूथ में। तो गाइस सबसे लास्ट वाला काम क्या होता है कि लाइट रूम के अंदर फोटो को शेयर करके लाइट एडजस्ट करना, तो चले करके मैं आपको दिखाता हूँ वो भी सबसे आसान तरीके से। एंड गाइस आपको मैं आज में खुद लाइट एडजस्ट करके दिखाऊँ, कोई प्रीसेट का यूज गाइस नहीं करूँगा, तो चले आपको मैं दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर फोटो हमारा आ चुका है, एंड फोटो को दोस्तों किस टाइप से करेंगे वो भी दोस्तों आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि ये हमारा फोटो है दोस्तों, फोटो को तो आप देख ही सकते हो, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइट वाले पे आपको इसको थोड़ा सा हाई करना है एंड इसको थोड़ा सा कम करना है एंड इसको इतना बढ़ाना है दोस्तों, ये तो काम आपको कर लेना है। एंड इसके बाद आ जाना है कलर वाले पे, इसको आपको लगभग इतना पर रखना है, इसको भी 6 एंड इसको भी गाइस 6, इसको थोड़ा सा माइनस। इसके बाद आ जाना है ग्रीडिंग वाले ऑप्शन पे, इसको इतना माइनस, इसको इतना एंड इसको इतना, ये दोस्तों आपको कर लेना है एंड डाउन करना। अब आ जाना है दोस्तों मिक्स पे, पहले वाले को हाई कर देना लगभग इतना पर एंड दूसरे वाले को कुछ इतना माइनस, इसको भी इसको कुछ इतना पर रखना है। एंड दोस्तों येलो वाले को तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जैसे ही छोड़ देना है। ग्रीन वाले को थोड़ा सा हाई करना है लगभग इतना पर, और कलर दोस्तों आपको जो अच्छा लगेगा वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो गाइज, ये रखता हूँ मैं। एंड इस पर दोस्तों इसको आप पूरा लो कर दीजिएगा आप देख ही सकते हो। एंड इतना करेगा दोस्तों इसको आपको क्या करना है, इतना पर दोस्तों इतना पर करके इसको आपको थोड़ा सा लो करना है, डाउन करना है एंड आ जाना है इफेक्ट पे, क्लैरिटी को हाई करना लगभग इतना पर एंड गाइस इस वाले को थोड़ा सा लो करेंगे एंड इसके बाद दोस्तों आ जाएंगे इस पे, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इतना पर। सो गाइस यहाँ पर फोटो बन के तैयार हो चुका है। तो गाइस आई होप कि गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइस ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए एंड गाइस बेल आइकन दबा दीजिए। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।